अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये रूटीन चेकिंग जो बैंकों कराई जा रही है, इसी क्रम में कल इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम द्वारा बैंकों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच एक संदिग्ध व्यक्ति गंगा कुमार, बिहार के पश्चिम चंपारण जनपद के रहने वाले हैं, इनके साथ दो व्यक्ति और थे, दो मौका देख के खिसक लिए। इनको हिरासत में लिया गया, इनके पास से कुल भिन्न भिन्न बैंकों के 32 ATM कार्ड बरामद हुए। पूछताछ उन्होंने बताया कि 5 ATM कार्ड इनके स्वयं के, इनके परिवार के हैं, बाकी ATM कार्ड जो बाहर के हैं वो किसके हैं, क्या है, इसके बारे में कुछ छानबीन कर रहे हैं। सर, इतना ATM इनके पास रहना क्या लगता है, कहीं ट्रांसफर करते थे? ट्रांसफर नहीं करते थे। ATM कार्ड जो मिले हैं इनके पास से, कुछ पर्चियाँ भी मिली हैं। तो एक दिल्ली में एक्सिस बैंक का खाता था, वहाँ इन लोगों ने 4-5 दिन के दौरान 6-7 लाख रुपये जमा किए थे। तो क्या हवाला कारोबारी से जुड़े हैं? नहीं, अभी हवाला कारोबार के बारे में तो प्रथम दृष्टया मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। यह एक कंपनी है और जिस कंपनी में पैसा जमा होता है वह बताया गया है, संभवतः RBI में रजिस्टर्ड भी है, व्यापारिक लेन देन वाली कंपनी है। या जो मतलब इनके पास से जो 32 ATM कार्ड बरामद हुए, ये ज़्यादा बड़ा मामला था और इसी हम लोग जाँच कर रहे हैं कि ATM कार्ड किसके हैं, कहाँ से इनके पास आए हैं और इस खाते में कितने पैसे हैं, कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं, इसकी हम जांच कर रहे हैं। 5 कार्ड तो इन्हीं नाम से थे क्या? नहीं, 5 कार्ड इनके नाम से नहीं, इनके और इनके परिवार के। बाकी बाहर के ही हैं, डिफरेंट बैंकों के हैं, SBI के हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं। नहीं, देश से बाहर ट्रांजेक्शन नहीं किया गया। इनका जो कहना है कि इनका एक सरगना है जो भाग गया है मौके से, वह इनको कुछ पैसे देता था ATM कार्ड की वजह से। कुछ नगद भी भरा होते हैं? नहीं, नगद भी। ये गोरखपुर में 3-4 दिन पहले लोग आए थे, रेलवे स्टेशन पे एक होटल में किराया कमरा लेकर आ रहे हैं। अभी कितने लोग फरार हैं? इनके साथ कुछ 3 लोग थे, अभी 2 लोग भागे, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए।